सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। गाइज देखिए, फिर से एक प्रैक्टिस सेट आपका फिजिक्स का डिस्कस करने वाला हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा भाई, प्रैक्टिस सेट एक लेवल का है, अगर आप इसमें से 15 तो नंबर ना ला पाओगे, आई थिंक अगर भाई 15 नंबर जो कैंडिडेट ले आता है उसका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आपका डबल ए हो, मतलब ए डबल ए के लेवल से भी मतलब हाई फाई है, डबल ए का लेवल आप मान सकते हैं इस पेपर का। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, एयरफोर्स लेवल मान लीजिए, एयरफोर्स से काफ़ी ऊपर है। ठीक है, डबल ए के लेवल का पेपर है। सो गाइस, बिना टाइम लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए देखिए। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट फिजिक्स के करा रखे हैं, मैथ के जीके का पहला भी डाला है, और उसके बाद हमने मैथमेटिक्स के भी 6 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपना फिजिक्स का जो अपना मतलब प्रैक्टिस सेट है, 7वां नंबर पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको भी कमेंट करते चलना है कि आपके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक आए, लाइक मतलब पसंद अगर करना तो लाइक भी कर देना, और इसका पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करोगे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा आई एम नॉट अ रोबोट पे, और उधर से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे 8 सेकेंड वेट करने के बाद। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आप अपना वीडियो। गाइस पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना लिंक, क्योंकि यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन है, और आप 25 में से अगर 20 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रैक्टिस है ना कि इनसे प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर 20 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन तो इनसे आ ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रैक्टिस सेट है मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने मतलब एग्जाम जहाँ तक मैंने क्वेश्चन देखे हैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किसी भौतिक राशि का नहीं है। ठीक है, आवेग, संवेग, या फिर द्रव्यमान, या फिर किलोग्राम। इसका बेसिकली आंसर कर सकते हो, आपसे भी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 21 का डी पार्ट। ठीक है, भौतिक राशि का जो मात्रक नहीं है वो नहीं है किलोग्राम। नेक्स्ट है, निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है। एक समान वेग, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, या फिर असमान वेग। 22 तो उसे बोलते हैं एक समान त्वरण, एक समान इक्वल एक्सेलरेशन। गाइस सिंपल से एक बात बता दूं, जो कैंडिडेट कहते हैं कि मुझे इंग्लिश पे प्रैक्टिस सेट करा दो, डोंट वरी अबाउट दिस गाइस, वो भी करा दूंगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, अपकेंद्रीय त्वरण शब्द को प्रस्तावित किया था, मीन्स जो अपकेंद्रीय त्वरण एक वर्ड है उसको किसने बताया था। हाइगेंस, कैपलर, या फिर न्यूटन, या फिर गैलीलियो। 23 का राइट आंसर, तो गाइस न्यूटन ने ही बताया था, इसका भी राइट आंसर आपका थर्ड पार्ट होगा न्यूटन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गाइस 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ये नहीं बताना कि कौन सा सही है, आपको बताना ये कि गलत कौन है। ठीक है, तो 24 नंबर आंसर बताइए, सभी केंद्रीय बल असंरक्षित होते हैं। ये आपका 24 का वैसे डी पार्ट यहाँ पे इरर है, बाकी आप पढ़ सकते हो, मैं अगर पढ़ूंगा तो गाइस बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं यहाँ पे पढ़ने वाला नहीं हूँ। घर्षण बल असंरक्षित होता है, बिल्कुल सही था। विस्थापन आरोपित किए गए बल की दिशा के लंबवत होता है तो कोई कार्य नहीं किया जाता। ठीक है, बिल्कुल सही है, W इक्वल टू Fs cos थीटा होता है। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 वोट कर देंगे तो W की जो वैल्यू होगी, नहीं सॉरी फॉर साउंड, ठीक है, कोई किसी को कॉल कर रहा था इस वजह से मतलब बुला रहा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का डी। नेक्स्ट है, एक समान द्रव्यमान घनत्व कि किसी घन के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी। एक फलक के केंद्र पर, एक फलक के विकर्णों के कटान बिंदु के केंद्र पर, घन के ज्यामिति केंद्र पर, या फिर घन के सिरे पर। 25 का आपका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा घन के ज्यामिति केंद्र पर। ठीक है, 25 का आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी पार्ट हो जाएगा, घन के ज्यामिति केंद्र पर। नेक्स्ट है, एक बिंदु द्रव्यमान m किसी त्रिज्या r एवं द्रव्यमान m वाले गोली कवच में मतलब सेल के केंद्र से r/2 दूरी पर स्थित है। बिंदु द्रव्यमान पर कवच द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होगा। गाइस सिंपल सा है, अगर फार्मूला आपको पता है तो आप यहाँ पे बेसिकली कर पाएंगे, बट इसका जो राइट आंसर होगा आप आई थिंक यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट ट्राई करेंगे, बट मुझे मोस्टली पता है इसका केवल कैंडिडेट 35 to 40% इसका राइट आंसर कर पाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी पार्ट होगा, शून्य मतलब जीरो। नेक्स्ट है, किसी तार पर तनन प्रतिबल को आरोपित किए जाने पर यदि उसका आयतन समान रहता है तो तार के पदार्थ का पॉइसन अनुपात का मान क्या होगा। 27 का आपको राइट आंसर बताना है, जो न्यूमेरिकल आएंगे उन्हें भी सॉल्व करता चलूंगा, बट ये आपको पता होना चाहिए, तो वो होता है 0.5। तो 0.5 कहाँ पे, हाँ डी ऑप्शन पे है, तो आपका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि किसी तार पर तनन प्रतिबल को आरोपित किए जाने पर यदि उसका आयतन समान रहता है तो तार के पदार्थ का पॉइसन अनुपात का मान क्या होगा, 0.5। नेक्स्ट है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। 28 नंबर राइट आंसर भाई कमेंट करो क्या होगा। तो इसका जो होता है गाइस केश नली दाब, जो केश नली होता है, केश नली पे प्रेशर, वही इसका रीजन होता है, तो राइट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे,
शरद ऋतु में यदि हम प्रातः काल लोहे तथा लकड़ी के टुकड़ों को स्पर्श करें तब लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा महसूस होता है, क्यों? क्यों बताइए भाई, क्योंकि गाइस सीधा आपको आंसर बताता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने पे लगेगा टाइम 40 to 45 सेकंड इसी में चले जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी पार्ट, क्योंकि जो लोहे की विशिष्ट उष्मा होती है क्षमता हाई होती है, ठीक है, इन कंपेरिजन किसके, लकड़ी की टुकड़े की, क्योंकि देखिए आप हीट अभी सिंपल से अगर टच करोगे भाई तो लोहे का टुकड़ा मोस्टली ठंडा ही रहता है, मोस्टली क्या ठंडा ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो विशिष्ट उष्मा होती है वो हाई होती है। नेक्स्ट है, निम्न कौन से ध्वनि की वेग पर प्रभाव नहीं डालता है, दाब नहीं डालता, ताप नहीं डालता, आर्द्रता या फिर घनत्व, डेंसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे 30 नंबर पे आपको राइट आंसर कमेंट करना है। तो जो 30 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है, ध्वनि के वेग पर प्रेशर का कोई दबाव नहीं पड़ता गाइज, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए पार्ट। नेक्स्ट है, प्रकाशिक यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है, 31 बताओ भाई, तो उसे बोलते हैं अपवर्तन, अपवर्तन पता होना चाहिए, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विसरण, परावर्तन, ये सब कुछ पता होना चाहिए बेसिकली गाइज, इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, ये अगर नहीं भी पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके सारे के सारे आपका पता होना चाहिए, इनका यूज किया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, घरेलू प्रकाश में लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, भाई आप सबके घर में लाइट जलती है तो उन्हें किस क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में, पैरेलल में, उन दोनों के बोथ में, या फिर नन ऑफ दीज, 32 भाई बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पैरेलल सीरीज में, मतलब समांतर क्रम में, घर में जो प्रकाश मतलब सीरीज जोड़ी जाती है, लाइट का जो सीरीज जोड़ जाता है वो किस तरह से जोड़ा जाता है, तो पैरेलल सीरीज में, ठीक है, पैरेलल में। नेक्स्ट, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताओ, कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, दोनों अचुंबकीय हो जाते हैं और दो आप पढ़ सकते हो, तो इसका जो 33 का राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए पार्ट, कि दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, ठीक है, 33 का ए पार्ट, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। नेक्स्ट, जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता, ठीक है, 34, जब मतलब कोई तरंग है, ठीक है, और वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता, तो गाइस उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का उपयोग होता है, जो नाभिकीय रिएक्टर में गाइस मंदक का यूज किया जाता है, उसका यूज मतलब मंदक का उपयोग होता है वो किस लिए होता है, ठीक है, PDF को जरूर डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भाई होगा क्या कि इन क्वेश्चंस का आप दोबारा रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि इनका ऑप्शंस का आंसर भी दिया हुआ है PDF पे, ठीक है। तो 35 नंबर का आंसर कमेंट करना है। तो न्यूट्रॉन को कम करने में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का उपयोग होता है न्यूट्रॉन को कम करने में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए। नेक्स्ट है, वायु के एक निश्चित आयतन में विद्यमान जल वाष्प के द्रव्यमान ग्राम को कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता, मिश्रण अनुपात, अपेक्षिक आर्द्रता या परम आर्द्रता, ठीक है, तो 36 का हो जाएगा आपका डी पार्ट, परम आर्द्रता कहते हैं, वायु की एक निश्चित आयतन मतलब घन मीटर में विद्यमान जलवाष्प के द्रव्यमान को कहते हैं परम आर्द्रता। नेक्स्ट, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो इसका आयतन इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंजमेंट, या पहले डिक्रीज या बाद में इंक्रीज, तो बताना है आपको 37 का राइट आंसर हो जाएगा, पहले डिक्रीज होता है उसके बाद में इंक्रीज होता है, तो कहते आपका डी पार्ट यहाँ पे हो जाएगा राइट, पहले घटता है तथा बाद में बढ़ता है, ठीक है। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो इसका आयतन पहले घटता है तथा बाद में बढ़ता है। नेक्स्ट, वीन का विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है, वीन का विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, तो वो होता है आपका 38 का राइट आंसर हो जाएगी, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य तथा ताप पे। आपको नंबर पे बताना है, नंबर कमेंट करके बताना है कि आप इसका आंसर भाई ये होगा, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य तथा ताप पे। नेक्स्ट है, रुदोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा बताइए, ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ताप में वृद्धि के साथ घटती है, ताप में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती, हमेशा शून्य होती है, 39 का राइट आंसर, हमेशा शून्य होती है, रुदोष परिवर्तन में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है गैस ना, वो हमेशा ऑलवेज शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, करने पर आपको टाइम लगेगा, एग्जाम पे क्वेश्चन आप लेफ्ट भी कर सकते हो, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है देखते ही तो कर सकते हो, अदरवाइज लेफ्ट भी कर सकते हो, बट यहाँ तो आपको बताना पड़ेगा, तो बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, कर लीजिए, मैं बताता हूँ, चलो। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, बंद बर्तन भरी गैस के ताप में जब इतनी वृद्धि की जाए तो उसका ताप इतना बढ़ जाता है तो गैस का प्रारंभिक ताप क्या होगा, गैस आंसर तो आपका होगा 250, ठीक है, 250,
250 मतलब केल्विन। अब उसके बाद इसे करने का रूल क्या होता है ये भी चलो आपको थोड़ा सा बेसिकली मैं बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियल मान लेंगे टी वन और जो फाइनल हो जाएगा टी टू, प्रेशर पी वन यहाँ पे पी टू। अगर इस यहाँ पे सिंपल सा मान लेंगे टी टू की जो वैल्यू हो जाएगी टी टू इक्वल टू टी वन प्लस वन, यहाँ पे 1% इंक्रीज हो रहा है, 1% हमने इंक्रीज कर दिया। और पी टू जो अपना प्रेशर वो हो जाएगा पी वन के प्रोपोर्शनल, तो पी वन प्लस 0.4% दिया है 100% में 100 × P1। अब गाइस इसे जाके देखना सिंपल सा, प्रेशर जो है अपने टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो P प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, तो P2/P1 इक्वल टू T2/T1। गाइस इसका भी सॉल्यूशन मैं इसी PDF पे लगा दूंगा तो वहां से जाके आप कर सकते हो, बेसिकली इस तरह से करना है आपको, ठीक है। और लास्ट में होगा क्या, लास्ट वाला सीधा जाके बता देता हूं, इस पे करने पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इस वजह से मैं इग्नोर मार रहा हूं, बट इसका सॉल्यूशन ऐड कर दूंगा मैं यहां पे PDF पे, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। होगा क्या कि जो लास्ट में बचेगा जाके वो आ जाएगा 1/T1 इक्वल टू 100, ऊपर आ जाएगा 0.4/200। अब इसके बाद गाइस T1 की वैल्यू निकालना है, तो T1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो T1 इक्वल टू पॉइंट ऊपर हो जाएगा 100, नीचे 0.4, इधर से 4 से इधर एक 0 बढ़ जाएगा, 4 से काट देंगे 250 केल्विन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन ऐड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, मैंने कुछ आपको बेसिक से फॉर्मूला बता दिया, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है किसी भी आवर्ती फलन को उचित गुणांकों वाले विभिन्न आवर्तों कालों के जीएम को ज्या फलनों के अध्यारोपण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इस परिणाम को निम्न में से किस गणितज्ञ ने सिद्ध किया था, बताइए 41 का राइट आंसर। 41 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गाइस जीन बाप्टिस्ट जासेफ फूरियर ने, जीन बाप्टिस्ट जासेफ फूरियर ने। नेक्स्ट है ये भी आपके एग्जाम पे नहीं आने वाला, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे नहीं आने वाला, डबल एसएसआर एफओ सेक्शन वाई ग्रुप किसी पे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जब कोई लिफ्ट विरामावस्था में हो तब लिफ्ट की छत से लटका हुआ एक सरल लोलक वी आवृत से दोलन करता है, यदि लिफ्ट गुरुत्व में मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी दोलन आवृत्ति हो जाती है, कितनी हो जाती है भाई, राइट आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, वेट कर रहा हूँ भाई। कोई जो आदमी है कितना है, मतलब एक इन अ सिंपल मोशन पे, मतलब स्मॉल पोजिशन पे, ठीक है, एक मोशन पे रुका हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए पार्ट मीन शून्य, मतलब कि जीरो। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पे जब कोई डोरी अपने दोनों सिरों पर स्थिर मतलब फिक्स है, ठीक है, चलना इतना इतना 1, 2, 3, 4 रेशियो में कंपन करती है तो इसका मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी का अनुपात होगा, रेशियो होगा, ये बताना है आपको 43 नंबर। सिंपल सा यहाँ पे भी आप इसली से देखते ही कर पाएंगे, करने का कोई नहीं है, देखिए आपको करने का ट्रिक पता होना चाहिए, आप देखते ही इसका कर पाएंगे। देखिए बता देता हूँ आपको गाइस, जो अपना फार्मूला होता है वो होता है क्या है, वो होता है VN प्रोपोर्शनल टू NV, VN प्रोपोर्शनल टू NV। अब देखिए VN प्रोपोर्शनल टू NV जहाँ पे V इक्वल टू एक और फार्मूला होता है 1/2L अंडर रूट 1T/M, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता चलो हटाओ, तो एक इसके बाद एक फार्मूला आता है VN इक्वल टू N/L इक्वल टू अंडर रूट T/M, ठीक है, यहाँ पे N VN प्रोपोर्शनल किसके है, N के, तो VN प्रोपोर्शनल टू N, VN प्रोपोर्शनल टू N। गाइस तो यहाँ पे देखिए V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो V4 इसके इक्वल हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 रेशियो पे, तो गाइस जो आपका राइट आंसर होगा 43 का आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में इतने इतने सेंटीमीटर के, आप इस यहाँ पे फार्मूला बता देता हूँ बेसिकली आप कर लोगे, देखते हैं आंसर बता सकते हो। देखिए फार्मूला होता है यहाँ पे इक्वल टू 1/4πε₀ε₀ Q1 Q2 R², ठीक है, R की वैल्यू यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर दी हुई है, मीटर में बना लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए Q1 की वैल्यू 1×10⁻⁷ और Q2 की जो वैल्यू दी हुई है 2×10⁻⁷ और 1/4πε₀ की वैल्यू आई थिंक आप सभी को पता होगी 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर, मतलब यहाँ से जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियम विभव के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के समान होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, किसी क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं हो सकता, BMC दोनों सही हैं 45, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो गाइस देखिए नियम विभव के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई चार्ज भी नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश भी नहीं हो सकता है, तो ये भी इसका सही है, तो मतलब कि आपका डी पार्ट राइट है, ठीक है, ना बी सही है ना सी सही है, मतलब डी सही है, मतलब कि अपना बी और सी दोनों सही है, मतलब कि ए बी सी डी ए को लेफ्ट करके बाकी सब सही है, ठीक है, तो इसका 45 का आपका राइट आंसर डी हुआ, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन मैंने आज किया 44 नंबर, इसको आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, कैसा लगा कमेंट करके बताना है। बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।